नमस्ते जी। नमस्ते जी। राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश वैष्णव। ओम प्रकाश वैष्णव। तो आपकी मुझसे तो बड़ी अच्छी है यार। मुझसे रख दो, ऐसा क्या करें। ये राजस्थान की आन मान और शान की प्रतीक है। अच्छा, आन मान शान का प्रतीक है। तो ये आपने शुरू से रखी, कितनी साल से नहीं काटी होगी आपने? ये मैंने 2017 से रखी हुई है। 2017 से रखी हुई। 2017 से अब तक की है। जैसे आपकी यार मुझसे अभी छोटी हो गई यार, पहले और भी लंबी थी। हाँ, पहले लंबी थी। प्रतियोगिता के हिसाब से भी लंबी रखना शुरू की है। अच्छा, मैंने इसका सबसे पहला पुरस्कार 2017 में रणकपुर फेस्टिवल में चार पुरस्कार प्राप्त किए। एक तो ये गोल्डवार श्री की उपाधि मिली हुई है। अच्छा, ये पुरस्कार है आपके? ये पुरस्कार नहीं, ये तो मैं पहन के रखता हूँ। ये आदमियों के जो गहने होते हैं ना। अच्छा, ये आदमियों के गहने? आदमियों के गहने पहले पहना करते थे अपने राजस्थान के। पहनते हैं अपने राजस्थान को, हासली कहते हैं। हाँ। इसको अपने देवी देवता का ये है गले के अंदर। हाँ। और ये भी देवता का ये माला टाइप है। अच्छा, ये सारे पहले पुरुष पहना करते थे, अब तो बहुत कम पहनते हैं। आदमियों के गहने हैं ये। आदमियों के गहने। हाँ, राजस्थान के। सारी हाथ में अंगूठियां अलग अलग तरह की, अलग अलग नगीने की पहना करते है, ये पहना करते है, हाथ में कड़ा पहना करते है। जी जी बिल्कुल। ये सारे। तो कहाँ से हो आप? मैं पाली जिले से। पाली जिले तहसील मालपुरिया का। तो हर मेले में जाते हो फिर आप? हर मेले में। हर मेले राजस्थान में जो भी प्रसिद्ध मेले हैं। अब जैसे पुष्कर मेला है तो 5 दिन रहता हूँ, गेर से पूनम तक, आज तक लास्ट दिन। इसके बाद में अपने जैसलमेर में भरता है। जैसलमेर माघ सुदी पूर्णिमा को सम के दौरों में समाप्त होता है, उसके 4 दिन पहले से शुरू होता है। अच्छा, तो वो सबसे पहले पोखरण में होता है। पोखरण में। उसके बाद में जैसलमेर में होता है, जैसलमेर शहीद पूनम सिंह स्टेडियम। पूनम सिंह स्टेडियम में 70-80 आदमी हमारे जैसे आते हैं, उसमें से केवल एक का चुनाव होता है। एक और 2020 का मैं विजेता हूँ। 2020 के आप विजेता हो जैसलमेर से? जैसलमेर से। जैसलमेर से। इसको हिंदी में तो कहते हैं मरुश्री 2020 और अंग्रेजी में कहते हैं मिस्टर डेजर्ट 2020। अच्छा, जो हमारी मुच्छे होती है उसके हिसाब से लाठी और वेशभूषा पहन करके। बिल्कुल। और सज धर के ये आज तो मैं लाठी लेके आया हूँ, लाठी लेके तलवार लेके आता हूँ। अच्छा, तलवार रखते हो आप? तलवार रखता हूँ। बिल्कुल। आज कहा कि एक अलग तरह का, हमेशा तलवार ही तलवार रखते हैं, आज लाठी रखो। लाठी रखो, आज लाठी लेके आया। राजस्थान की शान है। राजस्थान की शान। तो आप पुष्कर मेले में हर बार आते हो फिर? हर बार आता हूँ। हर बार आते हो? कितने पुष्कर मेले में आपने कितने जीत लिए फिर पुरस्कार? नहीं, पुष्कर के यहाँ के जो पुरस्कार होता है, यहाँ तो केवल एक होता है, मूंछ प्रतियोगिता। मूंछ प्रतियोगिता। तो हमारे मूंछ और मुछड़ बहुत सारे हैं दूसरे। अच्छा, तो हमारे एक राम सिंह जी है हमारे मिलने वाले। अच्छा, वो जीते। आज जीते हो? हाँ, वो अभी 11 को जीते, अभी 22 तारीख को हुआ था, उस समय जीते, और वो 12वीं बार जीते। 12वीं बार। मतलब वो विजय। और 2010 से वो रखते हैं पुष्कर मेले में। अच्छा, 2010 से उन्होंने 2010 से मूंछ प्रतियोगिता का उन्होंने जीती है। मूंछ प्रतियोगिता उन्होंने जीती है। बाकी आपका मेरा ये मिस्टर डेजर्ट का है। मिस्टर डेजर्ट का है। डेजर्ट का है। हाँ। और 2019 में मूंछ प्रतियोगिता जैसलमेर। जैसलमेर उसका विजेता। तो आपने पूरे राजस्थान में कितनी प्रतियोगिता जीत ली होगी फिर? राजस्थान में तो आज तक की जैसलमेर में जाता हूँ, वहाँ पर जीते हुए। इसके बाद में रणकपुर 4-5 साल तक वहाँ जीता हूँ। बिल्कुल। 3-3, 4-4 पुरस्कार वहाँ जीता हूँ, और शादी वगैरह में बुलाते हैं वहाँ जाते हैं। अच्छा, इन्विटेशन आते होंगे कि हमारे यहाँ कोई एनुअल फंक्शन होता है विद्यालयों में, तो वो बुलाते हैं वहाँ जाते हैं, और ये ड्रेस पहन के जाते हैं, और अलग अलग कॉस्ट्यूम। देखिए आप, बाकी इनकी एक कॉस्ट्यूम राजस्थान कॉस्ट्यूम, अलग सा इनका एक लुक है, और दाढ़ी और मुझसे काफ़ी शानदार है। 2017 से इन्होंने, आपने नहीं काटी है ना? 2017 से आपने नहीं काटी। बाकी काफ़ी शानदार इनके गहने हैं पुरुषों के, जो कि राजस्थान के पुरुष जो है पहना करते हैं, और बाकी देख सकते हैं। और आपने मतलब राजस्थान में काफ़ी सारे जो है पुरस्कार जीत लिए, तो ऐसे होता है कभी किसी ने न्यूज़ चैनल ने आपको बुलाया हो फिर? न्यूज़ चैनल वही आते हैं जैसलमेर में, बहुत सारे वहाँ इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेते हैं, दिल्ली से आते हैं, बॉम्बे से फिल्मी स्टार वो आते हैं। और हमारा प्रोग्राम मॉडलिंग का है। मॉडलिंग का। हम कभी बॉम्बे जाते हैं, राजस्थानी मॉडलिंग का। यस, राजस्थान मॉडलिंग, और हमारा ग्रुप बना हुआ है। अच्छा, बाली बीएड क्लब। अच्छा, तो वहाँ से हम साथ साथ जाते हैं। अभी देहरादून गए, देहरादून जाकर, देहरादून वहाँ पर ये हुआ कम्पटीशन। अच्छा, तो आप जानते ही हो कि हमारा जो राजस्थान का कल्चर है, सारे कपड़े पहने हुए, बिल्कुल बिल्कुल, शरीर का कोई अंग दिखता नहीं है। बिल्कुल, हमारा आज मुंबई का जो फैशन है ना, जी जी, तो फैशन के अंदर आप जानते हैं आधे अधूरे कपड़े पहने जाते हैं। बिल्कुल, आधे कपड़े पहने जाते हैं। हमारी संस्कृति राजस्थान की झलकती है, कहीं कोई अंग प्रदर्शित नहीं किया। मतलब नाम होता है राजस्थानी संस्कृति का,
बट वहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रोग्राम प्रदर्शित करता है आपका होता है कि ये राजस्थान के रणबांकुरे जी बिल्कुल आन बान शान पहने हुए रहते हैं बिल्कुल महाराणा प्रताप के वंशज लाठी वगैरह रहते हैं बिल्कुल और शरीर से हष्ट पुष्ट होते हैं जी हाँ और आजकल तो आप देखो युवा कैसे होते हैं नहीं वो तो फिर मॉडल ख्यालात के होते हैं अभी विचारधाराओं के होते हैं राजस्थान के अलावा अगर कहीं दूसरी जगह पे राजस्थान कंपटीशन करवाए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि बस नाम होता है राजस्थान का पर वो मॉडल ड्रेसेस होते हैं हमारे राजस्थान की जैसे आपने बताया कि पूरी ड्रेस होती है जैसे महिलाएं हो चाहे या फिर पुरुष हो उनके कोई भी शरीर का अंग जो है दिखाई नहीं देता कहने का अर्थ भंडा प्रदर्शन नहीं होता बिल्कुल बिल्कुल बम्बई हम आए थे वहां से लेडीज और जेंट्स बिल्कुल युवा व्यक्ति आए थे बिल्कुल किसी की जींस फटी हुई है जी किसी का कुर्ता फटा हुआ बिल्कुल और वो उसको फैशन लेते हैं बिल्कुल ऐसे ऐसे चलाते हैं ऐसे नहीं चलता हम तो पूरी यूनिफॉर्म पहनते हैं हमारे राजस्थान पहनते हैं जी हाँ पूरा ये कभी ये पहनते हैं राजस्थान का ये पगड़ी यहाँ तक ये पूरा बंद होता है हमारे कहीं खुला नहीं रहता वो फैशन के हिसाब से ऐसे रखते हैं अब चलते हैं आज के युवा लोग उनको पसंद करते हैं जी हाँ क्योंकि हमें तो आजकल के युवा लोगों के जो फैशन प्रदर्शित करने वाले जो ये कपड़े हमें तो पसंद नहीं है बाकी बिल्कुल ही नहीं बाकी राजस्थान के जो अभी युवा पीढ़ी है वो भी राजस्थान के जो कल्चर को है छोड़ रहे हैं तो उनको कुछ कहना चाहिए राजस्थान की कल्चर छोड़ रहे हैं तो खराब ही है खराब हमारे राजस्थान के पुरातत्व और प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के अगर रखते हैं तो हमारे विश्व के अंदर हमारी पहचान है विश्व के अंदर पहचान है और लोग यहाँ की संस्कृति को अपना रहे अपनाने के लिए अडॉप्ट करने के लिए फॉरेन से यहाँ आते हैं विदेशों से लोग आते हैं जाजंड में देख लीजिए अंग्रेज लोग वहाँ आते हैं जी हाँ और हमारे संस्कृति के कपड़े पहनते हैं जी हाँ माला जपते हैं सुबह शाम आरती वगैरह करते हैं बाकी काफी हम आजकल हमारी सभ्यता छोड़ करके विदेशी सभ्यता विदेशी लोग अभी तो जो ज्ञान के लिए आप विदेश से ले सकते हैं लेकिन ये पहनावा वगैरह तो हमारा ही होना चाहिए पहनावा हमारा होना चाहिए बाकी विदेशों के पास भी जो है ज्ञान हमारे यहीं से गया है बाकी थोड़ा सा उन्होंने मॉडल कर दिया उसे बाकी विदेशी लोग जो है वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम जो है हमारी संस्कृति को छोड़ रहे हैं बाकी अभी की जो युवा पीढ़ी है उन्हें राजस्थान की जो अपनी कैमरा घुमाइए सर बिल्कुल एक साथ वाला केवल एक व्यक्ति दिख रहे हैं बिल्कुल आप इधर से नजर फेंका करके यहाँ से वहाँ तक कहीं पर भी सापे वाले आगे नजर आ रहे तो नहीं आ रहा देखिए सापा तो राजस्थान के हैं राजस्थान के और राजस्थान की आन बान और शान की ये यूनिफॉर्म है क्यों नहीं पहन के आते मेले वगैरह में पहन के आनी चाहिए बिल्कुल आनी चाहिए और दूसरे दिन आओ नहीं आओ तो कोई बात नहीं राजस्थान की संस्कृति राजस्थान सरकार को करना चाहिए कि जो शादियों और इनके अंदर लागू किया जाए कि राजस्थान की जो भी शादी हो उसके अंदर जो है धोती कुर्ता नॉर्मल पहनावा कंफर्म करते हैं पहन के जाते हैं कितने अच्छे लगते हैं बिल्कुल बिल्कुल पहनावा जो कंफर्म करना चाहिए कि राजस्थानी ड्रेस ही पहनी जाए शादियों में वहीं पे मेला वेला है उनमें भी जो है राजस्थानी ड्रेस को ही बढ़ावा देना चाहिए वैसे मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल व्याख्या था लेक्चरर इंग्लिश का अच्छा लेकिन मैं इंग्लिश की वेशभूषा बहुत कम पहनता कई पैंट वगैरह ये नहीं पहनता और मैं राजस्थान की आन बान शान की प्रतीक है मूछ और दाढ़ी रखता हूँ और जैसलमेर का आप जानते ही जैसलमेर का मरुमोत्सव होता है उसका मैं 2020 का भी देता हूँ 2020 के 2019 का मूछों के अंदर उसका भी देता हूँ और राजस्थान के अंदर जितने भी हमारे सांस्कृतिक विरासत के जो मेले होते हैं उस सांस्कृतिक विरासत में जाता हूँ और हमारे ये प्रदर्शन करता हूँ धन्यवाद आपका आपने हमें जो है टाइम दिया और लोगों को बढ़ावा दिया राजस्थान की संस्कृति को बढ़ाने के लिए थोड़ा हमारे साथ में इधर आप कैमरा फेंकाइए सरदार जी को देखो इनकी सरदार जी की वेशभूषा है बिल्कुल तो क्या सरदार जी छोड़ते हैं क्या इनकी वेशभूषा तो? सरदार जी लेकिन हमारे राजस्थान की हमारी पगड़ी छोड़ दी है बिल्कुल बिल्कुल राजस्थान के लोगों ने पगड़ी जो है अभी तक पगड़ी ये अपने प्रतीक है और इनके पास 5 चीजें होती है हमेशा हर समय साथ में रहती है अब क्या बता हम तो देखते हैं करीब करीब 5 चीजें सबके पास में होती है क्या क्या होती है सरदार जी 5 चीजें पांच चीजें हमारे पास सबसे पहले केस जी केस फिर उसमें कंघा फिर कड़ा फिर कृपान तल वो छुरी और जो अंडरवेयर जो बोलते हैं कचहरा बोलते हैं हाँ जी उसको हम कचहरा बोलते हैं ये पांच चीजें हर समय साथ में ये जो संस्कृति की पहचान है संस्कृति की पहचान होती है जी जैसे हमारे राजस्थान की संस्कृति की धोती कुर्ती साफा लाठी या तलवार हाथ में लाठी आजकल नहीं अभी के
जो राजस्थान के लोग हैं अगर उन्हें को कहे कि एक लाठी ला के दिखाओ घर में से तो वो भी उनके पास नहीं है। नहीं नहीं, कोई लड़ने वाला आया तो हाथ हिलाते ही आएंगे। हाथ हिलाते आएंगे पास में सुरक्षा के लिए बाइक पे, जैसे कि अंकल जी ने। मैं तो जाता हूँ बाइक पे जाता हूँ, मेरे पास में रॉयल बुलेट है उसमें जाता हूँ, उसके अंदर स्टैंड बकायदा बना हुआ है और ये लाठी हर समय मैं साथ में रखता हूँ। लाठी आप साथ में रखते हो? पुलिस विभाग वाले पूछते हैं कि लाठी लेके कैसे घूमता है, सुरक्षा के लिए ऐसा सुरक्षा के कुत्ता वगैरह काट जाए कर जाए रखता है। बिल्कुल, ये हमारा हक हक है साथ में रखने का। बाकी जैसा कि जंगलों में गुजरते हैं कोई पागल कुत्ता हो पागल रीछ हो कोई आ जाए करते तो कम से कम हमारी सुरक्षा तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और पहले सब देवासी समाज के लोग ये वेशभूषा पहना करते थे और लाठी हर समय हर व्यक्ति के पास में हुआ करते थे। बिल्कुल, और बहुत जड़ी हुई और बहुत शानदार रखते थे, लाठीबाज हुआ करते थे, लाठीबाज जंगलों में अकेले रहा करते थे। मान लो पांच छह ग्रुप में आ जाए और उनसे लड़ाई करे तो वो उसे लाठीबाज चलाते, लाठी पांच छह को नहीं खाली हाथ क्या ही करेंगे लोग, क्या करेंगे अभी। बाकी आपने जैसे बताया अभी के लोगों के पास वाकई नहीं मिलती, अगर ढूंढे तो नहीं मिलती, घरों में नहीं मिलती। बिल्कुल घरों में नहीं मिलती। मैं तो मेरा दरवाजे के पीछे रखता हूँ, हर दरवाजे के पीछे, और बाहर जाता हूँ गाड़ी पे ले जाता हूँ। लोग कहते हैं ये क्या लेके, अरे लेके क्या, सुरक्षा के लिए चाहिए, क्या आपत आ जाए। बिल्कुल, क्या पता लगे। हाँ सही, गाड़ी लेके जाता हूँ, फोर्ड एंडेवर गाड़ी है उसमें भी लाके रखते सुरक्षा के लिए रखनी चाहिए, एक लाठी हर घर में होनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद आपका जो आपने हमें, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इंटरव्यू लिया। आप एक बार अपने नंबर बोल दीजिए अगर कुछ हो किसी को संपर्क करना हो। 9414816013 ये अंकल जी के जो है नंबर है, अगर किसी को और डिटेल्स चाहिए हो अंकल जी के बारे में, और अगर कोई इनवाइट करना चाहता है शादी फंक्शन या फिर किसी फंक्शन में सामाजिक कार्यक्रम में, सब कार्यक्रम में जाता है, तो वो जो है इन नंबर पर संपर्क करके नौकरी है, छुट्टी लेके जाता, छुट्टी लेके जाता है संडे की, तो कोई संपर्क कर सकता है अंकल जी से। धन्यवाद अंकल जी आपका बहुत बहुत, आपने जो हमें आपको भी बहुत बहुत इतना टाइम दिया और हमारे दर्शकों को जो है ये राजस्थान की संस्कृति के बारे में बताया। बिल्कुल सर, जितनी जानकारी दी उतनी जानकारी बता दी।